बस। नमस्कार आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, देश उस वक्त सन रह गया जब सोशल मीडिया पर हिजाबी लड़कियों पर लाठियां बरस रही थी, पुलिस या बर्बरता की तस्वीरें देखी जा रही थी। उन्हें सिर्फ और सिर्फ निशाना उनके मुसलमान होने की वजह से बनाया जा रहा था। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें हर जगह वायरल थी, हर किसी ने इन बेटियों के दर्द को देखा, पुलिसिया गुंडई को देखा, प्रशासन की बेशर्मी को देखा। पर मजाल है कि देश का मीडिया इस पर बात कर लेता। अगर देश के मीडिया ने गंभीरता दिखाई होती तो बेटियों की आज ये हालत नहीं होती। एक बार खुद से नजर डालिए दोस्तों इन तस्वीरों पर, कैसे पुलिस ने बेटियों को घसीटा, उनके हिजाब को फाड़ा। और तो और ये देखिए, क्लोजर तस्वीर से आपको पता चलेगा कि कैसे हिजाब जबरदस्ती सर से उतरवाए गए। और तो और बाउंसर्स बुलाकर लड़कियों को कैंपस से बाहर भगाने की कोशिश की। पल पल न्यूज की टीम ने आपको हर वो तस्वीर दिखाई, लेकिन देश का मीडिया बात करे ना करे दोस्तों, लेकिन कतर बेस्ड अल जजीरा ने इन बेटियों की आवाज को बुलंद किया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कैसे पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मुस्लिम छात्राओं ने, जिन्हें हिजाब पहना हुआ था, उनको उनकी आइडेंटिटी के चलते निशाना बनाया गया। पुलिस ने उन्हें घसीटा, उनके ऊपर लाठीचार्ज की उनके उनके हिजाब को फाड़ा गया। क्या अगर देश का मीडिया सिंसियर होता तो ऐसी घटनाओं पर किसी की भी हिम्मत होती कि मीडिया में अगर एक बार आवाज आ जाएगी तो किसी के हिम्मत नहीं है कि वो किसी के साथ गलत कर ले। लेकिन देश का पत्तलकार मीडिया ताली बजाता है ऐसी सब चीजें होते हुए, पत्थर फेंकते हुए तो मीडिया दिखाता है, लेकिन पत्थर मदरसे से फेंके गए, मस्जिद से फेंके गए, यही दिखाता है। शोभा यात्राओं में मुसलमानों ने पत्थर फेंके, बस यही दिखाता है। लेकिन हकीकत परे होती है दोस्तों कि देश में मुसलमान को मुसलमान होने पर ही निशाना बनाया जा रहा है। उसकी तस्वीर आपके सामने है कि कैसे बेटियों को घसीटा गया, लाठी चार्ज की गई। मैं बार बार ये शब्द इसलिए बोल रही हूं क्योंकि अल जजीरा भी इन्हीं तमाम बातों पर जोर देता है और बार बार भारतीय सरकार को क्रिटिसाइज करता है कि कैसे भारतीय सरकार अपनी फिक्स आइडियोलॉजी की वजह से देश में मुसलमानों को इस्लामोफोबी के जरिए निशाना बनाता है। कैसे उसके तमाम लोग मुसलमान को मुसलमान होने के लिए निशाना बनाते हैं, लेकिन इस पर कोई बात नहीं करेगा। मेरी टीम पंजाब गई, किस तरह से हिजाब फाड़ा गया दोस्तों, चक्का जाम किया गया दोस्तों। जब हमारे रिपोर्टर ने बात की तो प्रशासन ने एफआईआर वापस लेने की बात की दोस्तों। उसी के साथ आपको ये भी जानना जरूरी है दोस्तों कि कैसे एफआईआर का जो पूरा खेल है वो खेल भी हमने आपको समझाया कि शाही इमाम जब पंजाब के वहां पहुंचे तो लड़कियों ने बिलखना शुरू कर दिया कि देखिए हमारे साथ सिर्फ इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं और हम कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। लड़कियों ने जब बात करना शुरू किया तो वो कैसे फफक फफक कर रो पड़ी, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आज ये बच्चियां पर जो एफआईआर हुआ है ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। गलत थोड़ी ना किया है, जो सबूत होगा विकृत होगा वही हो जाएगा। क्या आप लोगों को लगता है कि मुस्लिम होने की वजह से आप लोगों के हिजाब को फाड़ा गया जबरन? जी सर, हमारी हिजाब को फाड़ा गया, जो हमारी मतलब एक हमारे लिए एक प्रोटेक्शन है उसी को ख़राब किया गया। तो हम कैसे, मतलब ऊपर से हमारा ही एफआईआर काटा, हम क्या हमारी डिग्री फिर किस काम की है? ये अपने ये आंसू जो है बहुत कुछ बयां कर रहे हैं, जो कि हमें ये जानना चाहिए कि इस दर्द से वो बच्चियां खास तौर पर गुजर रही हैं। ये वो दर्द है जो खास तौर पर देखना चाहिए। आप देख सकते हैं
ये जुल्म किस तरीके से ढाया गया है और आप देख सकते हैं। सोलह बच्चे देख भैया, सोलह बच्चे देखो, तीन चार लड़कियों के इल्ली का नाम पहले देखो, क्यों दिया ये, क्यों आप बोलो क्यों दिया, क्यों क्यों डाला, देखो जी सोलह बच्चे जेड़े बच्चे, जैसे आप देख सकते हैं कि बच्चियों का नाम भी नहीं, जैसे आप दिखा सकते हैं लिस्ट दिखाना चाहिए। वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ, तो वायरल होने के बाद तमाम क्षेत्रीय पार्टियों ने आकर चक्का जाम कर दिया। दोस्तों एक बार इस चक्के जाम पर भी नजर डाल लीजिए। जो कि आप देख सकते हैं खासतौर पर यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो बैठ चुके हैं, देशभक्त यूनिवर्सिटी के जस्ट सामने हैं, जहाँ दोनों तरफ से रोडों को बंद कर दिया गया और तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपके सामने हैं। FIR जो है वो सुबह ही काटी गई। हाँ, सुबह इन्होंने हमें बोला था आपको जो FIR काटना है आप सुबह आना, हम सुबह 10 बजे काटेंगे, लेकिन इन्होंने सुबह 10 बजे हमारा ही काटा है। आप किन लोगों के खिलाफ FIR देने गए थे? हम फैकल्टी के खिलाफ FIR देने गए थे जिन्होंने हमें कल मारा। कई स्टूडेंट्स मुझे अभी मिले जिनका ये साफ तौर पर कहना था कि वो उस दिन यहाँ मौजूद भी नहीं थे, फिर भी उनका FIR में नाम दे दिया। जी सर, उसमें एक नेम है रुकसान, जो कि हमारी क्लास में की स्टूडेंट ही नहीं है, ना तो हमारे हमने कभी ये नाम सुना है हमारी क्लास में। सर अगर FIR काटना था तो उनके ऊपर FIR होना चाहिए था जिन्होंने इतना बड़ा फ्रॉड किया, इतना बड़ा स्कैम किया। जब पुलिस पर दबाव पड़ा और नदीम अकरम जो पलपल न्यूज के एडिटर हैं, उन्होंने वहां के DSP से पूछा कि सर FIR क्यों दर्ज की गई है। सर इसी बीच ये जानना है कि 16 बच्चियों का नाम है, जिसमें 16 बच्चियों के नाम शामिल है, किस चीज के नाम है? मुझे FIR का यहीं पे आके पता चला, मैंने उसके बारे में बात कर लिया, वो मैं आपको एश्योरिटी दे रहा हूँ कि उसका हम कैंसलेशन, उसको कैंसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो DCP साहब ने कहा कि मुझे नहीं पता था, FIR हटा ली जाएगी। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो जिसमें बेटियों की बर्बरता, प्रशासन का करप्शन और तो और पुलिस का गुंडा राज साफ तौर पर इस कहानी में साफ निकल कर आता है। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आके अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।